यानी कि किस्से तो आपने कई सुने होंगे, लेकिन क्या आप हकीकत में ऐसे किस्से खुद से देख पाए? अगर नहीं तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा। ये अगर इन तस्वीरों को देखकर कहा जाए कि क्या याद आ रहा है, तो शायद आप में से ज्यादातर लोग इसका जवाब टॉम एंड जेरी लिखेंगे। जी हाँ, इन्हें देखकर टॉम एंड जेरी की ही याद आने लगेगी। देखिए कैसे एक गत्ते पर बिल्ली कैसे अपने सिर से अपने बच्चे को दबाकर सोने की कोशिश कर रही है। बिल्ली को डर भी है कि कहीं उसका बच्चा इधर उधर ना हो जाए। छोटा सा बिल्ली का बच्चा भी वहां से हिलने की कोशिश करता है तो बेचारा फंसा हुआ सा लगता है। तो बिल्लियों की शैतानी का वीडियो तो अक्सर आपने देखा होगा, लेकिन क्या इंसानों की तरह डांस प्रैक्टिस का वीडियो आपने देखा है कि कैसे इस प्रैक्टिस में इंसानों से बेहतर बिल्ली नजर आ रही है? देखिए इस वीडियो में। जानवर कितने प्यारे और वफादार होते हैं ये तो आप भी जानते होंगे, लेकिन आप ये वीडियो देखिए। ऐसा वीडियो शायद ही आपने कभी देखा होगा। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है जैसे ये सभी जुड़वा है। छोटी बिल्लियों के अनोखे अंदाज इन्हें और भी ज्यादा प्यारा बना रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये तीनों बिल्लियां एक साथ खूब शैतानी करती हुई नजर आ रही हैं, जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपने आप में खेलता है। वैसे ये बिल्लियां हैं, ये भी अपने आप खेलने में लगी हुई हैं। और दोस्ती कैसी होती है सब कोई जानता है। इंसान या फिर जानवर, दोस्त सबके होते हैं, लेकिन एक दोस्ती की कहानी आपको एक तस्वीर के जरिए दिखाते हैं जहां दोस्त सब कुछ साथ में करना चाह रहे हैं। देखिए ये वीडियो। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको झूला झूलना कितना अच्छा लगता है तो आपका जवाब होगा हाँ। आपका ही नहीं बल्कि जानवरों को भी झूला झूलने में काफी मजा आता है, इस बात की गवाही ये वीडियो दे रही है। वीडियो में चार कुत्ते झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं जो सभी एक ही तरह के हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सभी तनाव ज्यादा होने के बाद अपना तनाव कम करने के लिए झूला झूल रहे हैं। दूसरी तस्वीर छह साथियों की है जो एक साथ बैठकर सोच विचार कर रहे हैं। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या के दौरे पर रहेंगी, जहां वो भगवान रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। देखिए एक मिनट में पूरी खबर। आज अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 4 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या पहुंचेंगी, जहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू शाम 4:50 पर पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगी, फिर शाम 5:45 पर सरयू आरती कार्यक्रम में शामिल होंगी। सरयू आरती कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम 7:45 राष्ट्रपति राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगी। इसके बाद शाम 7:15 कुबेर टीला में दर्शन पूजन के बाद वापस दिल्ली लौट आएंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति राम दरबार में उपस्थित होकर दर्शन पूजन करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे से पहले अयोध्या धाम में तैयारियां की जा रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अहम पदाधिकारी इस मौके पर वहां उपस्थित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कोविड वैक्सीन से शहर शहर गांव गांव बढ़ रहे हार्ट अटैक को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान छुड़ गया, और अब शिवपाल यादव और डिंपल यादव ने बीजेपी पर इसे लेकर निशाना साधा है। एक मिनट में रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोविड रोधी टीके कोविशील्ड की गुणवत्ता पर विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव ने इस मामले पर सत्ताधारी भाजपा पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिन अधिकारियों ने इस वैक्सीन के लिए मंजूरी दी थी उन्होंने ही इस टीके को नहीं लगवाया। कोई ये भी जानकारी दे रहा था कि जब भारत की जो वैक्सीन बनी थी हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे, ना प्रश्न लगा रहे, लेकिन जब वो तैयार हुई तो जो अप्रूवल वाले लोग थे जिन्होंने अप्रूवल दिया था उन लोगों ने भी वो वैक्सीन नहीं लगाई थी। समाजवादी पार्टी ने टीके में भी कमीशन के आरोप बीजेपी पर लगाए। आज हम देख रहे हैं
क्योंकि गांव-गांव शहर-शहर में जब हमें सुनने में आता है कि 30 साल की उम्र के बच्चे या 40 साल की उम्र के जो लोग आकस्मिक मृत्यु से मर रहे हैं, जैसे कि उनको दिल का दौरा पड़ जा रहा है या ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वैक्सीन लगाने के ही वजह से अब समझ में आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर वोट जिहाद वाले बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि आखिर कांग्रेस और सपा देश को किस ओर ले जाना चाहती हैं। देखिए एक मिनट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव में लोगों से वोट की अपील करने वाली समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फरुखाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए मारिया आलम ने वोट जिहाद करने की बात कही थी। मारिया आलम कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं और इंडी गठबंधन उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रही थी। अब बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। लोगों को वोट जिहाद के नाम से लोगों को, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, उनको कहा कि आप वोट जिहाद करिए, और उन्होंने इस तरह से समाज में विद्वेष दो समुदाय के बीच पैदा करने का ये प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इसके संबंध में हमारे उड़नदस्ता प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के द्वारा कायमगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कांग्रेस के वोट जिहाद पर पलटवार करते हुए कहा कि आज कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को डराकर धमकाकर उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर देखिए, विपक्ष के पूर्व नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष की बात को सुनते हैं। एक मैसेज में पीएम मोदी ने उनका काम कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात में विपक्ष के पूर्व नेता अर्जुन मोढ़वाड़िया ने पीएम मोदी को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी को लेकर अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि मोदी हर किसी की बात सुनते थे, चाहे वो उनकी पार्टी का हो या फिर विरोधी दल का हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जनता या फिर विपक्ष के किसी नेता से जो वादा करते हैं उसे पूरा निभाते भी हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन था मैं, अपना स्टैंड उस समय रखता था, तो उस समय मोदी जी हमें ये कहते थे कि आप ऑपोजिशन में से जब बोलते हैं तो हमारी सरकार उसका नोट डाउन करती है और उसमें जो इम्प्लीमेंट करने लायक है वो इंप्लीमेंट भी करते हैं, तो बहुत बड़े दिल वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अर्जुन मोढ़वाड़िया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और धन लोकसभा के दो चरणों में कम वोटिंग को लेकर फैलाई जा रही अफवाह पर चुनाव आयोग ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया है और ये आंकड़े कह रहे हैं कि 2019 के मुकाबले सिर्फ 3% ही वोटिंग कम हुई है। देखिए रिपोर्ट। आपने गली मोहल्ले या चाय की दुकान से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में इन दिनों ये चर्चा बहुत सुनी होगी। अरे इस साल वोटिंग कम हो रही है, बीजेपी का वोटर निकल नहीं रहा, तो कोई बोल रहा है कि मोदी नहीं विपक्ष जीत जाएगा क्या। लेकिन इस एजेंडे को चुनाव आयोग ने ध्वस्त कर दिया और बता दिया कि 2019 के मुकाबले वोटिंग में 7% नहीं बल्कि सिर्फ 3% की कमी दर्ज की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के